ये देखिए अर्पित का ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेड टोस्ट और सूजी का हलवा। तो अर्पित को खिलाने के बाद हम लोग खाएंगे। सब लोग उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मतलब मेरा जो घर का क्लीनिंग वगैरह था ना वो सब देखिए फिनिश हो गया है और वो रेडी हो रहे हैं, ड्यूटी जाएंगे। और इधर का जो कपड़ा दिख रहा है कुर्सी पे वो सब ना धोया हुआ कपड़ा है। तो अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, इधर बहुत बारिश हो रहा है इसलिए कपड़ा अच्छे से सूख नहीं रहा है। तो बैल्कनी में रखा हुआ था, फिर आधा सूखा है, कल का है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। पंखा चल रहा है, जल्दी से सूख जाएगा। और फटाफट मैं खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि आज ना उठते उठते सुबह थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ हस्बैंड के लिए सिर्फ, और हम लोग बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुकर में चावल हो रहा है। तो क्या हुआ, चावल ना सॉरी कुकर ना पता नहीं क्या हो रहा है, कुकर अच्छे से सीटी नहीं बज रहा है तो अच्छे से नहीं पक रहा है। तो इसलिए मैं अभी चावल डाल दिया है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है चावल को। तो धीरे धीरे पक जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं जल्दी करना चाहती थी। और इधर हो रहा है ये देखिए, इधर आलू और टमाटर की सब्जी हो रहा है। और यहाँ पर ना मैंने अंडा को एक ऑमलेट बनाया है, एक अंडा का, तो ये सिर्फ हस्बैंड जी का है। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ ये बनाया है मैंने, खा के फिर ड्यूटी चले जाएंगे, लेट हो रहा है। तो आज ऐसा ही मैंने बनाया है। और अर्पित क्या कर रहा है मैं दिखाती हूँ। मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा चुकी हूँ, सब कुछ हो गया, मतलब घर का जो क्लीनिंग वगैरह था सुबह का वो सब हो गया है। अर्पित को मैं दिखाती हूँ, चलिए ये देखिए अर्पित क्या कर रहे हो। हाँ क्या कर रहे हो, मैं कंप्यूटर पेंटिंग, अर्पित पेंटिंग कर रहा है, कंप्यूटर है।
क्या है ये? लैपटॉप। हरप्रीत ना आज देख के उसके पापा को बोल रहा है कि अभी ये निकालना है। उसके पापा कुछ काम कर रहे थे तो अभी उसको पेंटिंग करना है, वो पेंटिंग कर रहा है। और बेड का हालत ऐसा ही है, मैंने ठीक किया था लेकिन फिर से वो पूरा खिलौना ना वहाँ पर बिछा दिया है। सब्जी मेरा बन गया है, चावल भी लगभग बन गया है। मैं उनको खाना दे देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है उनको खाना है। और कितना टाइम हुआ बताती हूँ मैं, घड़ी भी कहाँ है पता नहीं, यहाँ पर एक है तो ये देखिए 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, बजा नहीं है 11। वो मुझे ना जल्दी कर रहे हैं, बोले कि जल्दी जल्दी बनाओ टाइम हो गया है मुझे निकलना है। तो आज का दिन कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि आज आप हम लोगों को लेके आए हैं और फर्स्ट डे है। चावल पक गया है चलिए खाना दे देती हूँ मैं। ये देखिए हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया है। तो यहाँ है चावल और टमाटर आलू की सब्जी और है क्या बोलते हैं अंडा का ऑमलेट और एक नींबू है। बस इतना ही खाना है मैं कर पाई हूँ और इनको जल्दी था। तो ये देखिए ये खाना मतलब फ्रेश होके खाना खा रहे हैं, इसके बाद रेडी होके वो चले जाएंगे ड्यूटी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच करने के टाइम पे। अभी लंच करने का टाइम नहीं हुआ है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर बैगन। मैंने बैगन को ना फ्राई करने के लिए काटा था। तो अर्पित बोल रहा है कि उसको बैगनी खाना है, बैगनी मतलब बैगन के ऊपर बेसन का घोल लगा के ऐसे फ्राई कर देते हैं तो वो उसको बैगनी बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए बैगन ना थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है जैसे फ्राई होता है वैसे, तो मैंने और पतला नहीं किया, उसी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसको खाना था और मैं फ्राई करने के लिए काटी थी तो और मैंने पतला नहीं किया बैगन को। इसी तरह से मैं बैगन को बैगनी बना लेती हूँ। ये परफेक्ट बैगनी नहीं है, मैं बैगनी बनाती हूँ लेकिन ये बैगनी नहीं है, इस तरह से बनाते नहीं है, पतला काटा जाता है बैगन को, लेकिन मैंने ऐसे ही काट के बना दिया है। और ये देखिए ऐसे फ्राई हो गया। और हाँ ये ना खाने में सच्ची में बहुत अच्छा लगा था, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेसन में सिर्फ क्या है बताती हूँ मैं, हल्दी है, नमक है और कुछ नहीं है। और इस तरह से बैगन को मैंने फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैं कुछ आलू भी काट के, एक आलू काट के पतला पतला करके काट के आलू का भी भुजिया है ये बना लेती हूँ। तो इस तरह से बना लेती हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ तहरी, जो दाल वगैरह नहीं डाल, मतलब मैंने ना इसमें दाल भी डाल दिया है, अरहर का दाल और मसूर का दाल और सूखा सूखा सब बनाया है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हमारा खाना भी रेडी हो गया है, अर्पित को मैं खाना खिला चुकी हूँ। और यह है मेरा खाना, तहरी है और आलू का भुजिया है, बैगन है। तो ये सब खाना खा लेती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।